सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग 6 का पहला अध्याय जो है, जो एक कविता है। और इस कविता का जो शीर्षक है वो है इसे जगाओ, और इसको लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। और उन्होंने बताया है कि सफलता प्राप्ति के लिए मनुष्य का परिश्रम करना आवश्यक है, और इस कविता के माध्यम से यही बताया कि परिश्रम का महत्व क्या है, और अगर हम आलस करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या निकलते हैं। तो हम कविता पढ़ते हैं और एक एक आपको पंक्तियाँ पढ़ाते हुए हम उसका जो अर्थ है वो समझाते आपको चलेंगे। हमारी पहली जो पंक्तियाँ हैं वो क्या है, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच में बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जो कवि है वो सूरज से कह रहा है कि सूरज इस आदमी को जगाओ, हवाओं से कह रहा है कि इस आदमी को हिलाओ जो बिल्कुल बेखबर सोया पड़ा है और अपने ही सपनों में खोया पड़ा है, जिसे कुछ भी ध्यान नहीं है, जो ये कुछ सपनों में इस तरीके से खोया है कि आगे क्या हो रहा है, आगे इसे क्या करना है, इसे कुछ मालूम नहीं है, ये आलस में बिल्कुल अपने भविष्य को खतरे में डाले पड़ा है। ये अगली पंक्तियाँ हमारी क्या है, भाई पंछी इनके इसके कानों पर चिल्लाओ, क्या कहा कि हे पंछी तुम इनके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। फिर कह रहे हैं कि हे सूरज इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जाए जगेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं। और कह रहे हैं कभी क्या कह रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि पंछी इनके कानों को में चिल्लाओ, सूरज इस आदमी को जगाओ, अगर ये वक्त पे नहीं जगेगा तो बहुत लोग इससे आगे निकल जाएंगे और ये फिर पछताता रह जाएगा। हमारी अगली पंक्तियाँ हैं, उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह, घबरा के भागना अलग है, छिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इनके इसके कानों पर चिल्लाओ। और हमारे आखिरी की जो पंक्तियां हैं वो कह रहे हैं कि ये आदमी जब जग जाएगा और अगर ये बेवक्त जगा तो ये घबरा के उठेगा और ये पीछे की तरफ भागेगा, यानी अपने लक्ष्य की तरफ भागेगा। और घबरा के भागना भी एक अलग बात है, अगर ये सही समय पर अगर जग जाए, सही समय पर अगर लोगों को अगर ये अगर मालूम हो जाए कि उसे क्या करना है तो उसे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और असली में अगर बात करें तो वास्तव में तेज पुरुष वही होता है जो सही क्षण में सजग हो जाता है, यानी सही पल का इंतजार करता है और उसमें वो बिल्कुल सजग हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि वो जागरूक हो जाता है। और जो व्यक्ति अगर जागरूक हो जाते हैं उन्हें किसी भी कोई भी कठिनाई का सामना वो कर सकते हैं और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आप जो हैं वो समय पे सारा अपना काम करें, किसी भी चीज़ को छोड़े नहीं, किसी भी चीज़ को आगे की दिन के लिए ना छोड़े, आप हर वो जो काम है वो करें ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और यही हमारा इस अध्याय का भाव था। अब हम बात करते हैं की तरफ, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न दिए गए हैं और दीर्घ उत्तरीय में 4 प्रश्न दिए गए हैं। हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला हमारा प्रश्न क्या है, कवि ने कविता में किस किस को संबोधित किया है। तो कवि ने कविता में सूर्य को, पवन को और पंछी को, इनको संबोधित किया है। दूसरा हमारा प्रश्न है, कवि ने किसको जगाने का आह्वान किया है। तो कवि ने किसे जगाने का आह्वान किया है, कवि ने उस सोते हुए मनुष्य को जगाने का आह्वान किया है। तीसरा प्रश्न क्या है, घबराकर भागना किस गति से भिन्न है। घबराकर भागना, हमारा उत्तर है घबराकर भागना दैनिक गति से भिन्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सही क्षण में कौन सजग होता है। उत्तर क्या है, सही क्षण में तेजी से काम करने वाले व्यक्ति ही सजग होते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, पंछी से कवि ने क्या करने को कहा है। हमारा उत्तर है, पक्षी ने
कवि से सोते हुए आदमी के कानों में चिल्लाने के लिए कहा है। अब बात करते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। पहला हमारा प्रश्न है, कवि के अनुसार व्यक्ति किस सच से बेखबर है? हमारा उत्तर क्या है? कवि के अनुसार व्यक्ति सफलता के पथ से बेखबर है। दूसरा प्रश्न है, वक्त पर जागने से व्यक्ति को क्या लाभ होगा? उत्तर है, वक्त पर जागने से व्यक्ति अपने सभी कार्यों को समय अनुसार कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि सूरज पवन तथा पक्षी का उदाहरण देकर क्या संदेश देना चाहता है? तो उत्तर क्या है, कवि सूरज पवन तथा पक्षी का उदाहरण देकर हम सभी मनुष्यों को यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार इस अपने कार्यों की को करते हैं उसी तरीके से हम भी अपने कार्यों को करें। जिस तरीके से सूर्य जो है कभी भी देरी नहीं करता है वो उगने में, उसी तरीके से हम भी जो हैं सभी कामों को अपने समय अनुसार करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये प्रश्न आप खुद से कर सकते हैं, इस कविता के बारे में आप लिखिए, छोटा सा आप एक संक्षेप में इसका उत्तर दे सकते हैं। आगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको आप खुद से करेंगे, और हाँ नहीं में उत्तर देना है ये भी आप खुद से ही करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को पूरा फेयर कर लेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो दूसरा अध्याय है हींग वाला, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।